हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस मैं आज आप लोग को बहुत बुरी खबर सुनाने वाला हूँ। खबर बुरी तो नहीं है, पिछली वीडियो मैंने आप लोग को बता चुका हूँ जो वीडियो मैं आज बताने वाला हूँ। तो आज बताने वाला ये हूँ, तो आज बहुत अफसोस से बता रहा हूँ मैं, क्या बताऊँ मैं आपको, बता नहीं सकता, इतना अफसोस आ रहा है मुझे। लेकिन क्या है, मैंने सोचा भाई देखो, हम तो फिलिस्तीनों का मदद जाके नहीं कर सकते क्योंकि हम मजबूर हैं, जा नहीं सकते। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई देखो सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ मैं बोल दूँ भाई, ताकि आदमी तक पहुँच पाए और मेरी बात को सुने और उससे उस पर अमल करे। तो गाइस मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि गाइस आप देख रहे हैं, पिछले वीडियो मैंने बताया था जब अटैक हुआ था फिलिस्तीन और हमास ने अटैक किया था इसराइल पे अटैक किया था। तो जब से इसराइल ठाना है, मतलब अपना जो अटैकिंग शुरू किया है, अटैक करना हमास पे, कभी हिजबुल्ला पे, कभी हमास पे, कभी फिलिस्तीन में, मैं पूरे फिलिस्तीन में हिजबुल्ला और फिलिस्तीन एक ही जगह आता है, हर जगह अटैक कर रहा है और मासूम बच्चे इंतकाल कर रहे हैं। मतलब बहुत अफसोस वाली बात, आप खुद देख रहे हो न्यूज़। मैं तो बस एक ज़रिया हूँ, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि यार मेरे देखा नहीं जा रहा था, मैं वीडियो जब देख रहा था ना यूट्यूब में, जब मैं न्यूज़ या कभी देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, आपको पता है आजकल कुछ भी होता है वायरल हो जाता है। तो ये है, मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत अफसोस आ रही है, बहुत अफसोस देख के, छोटे छोटे बच्चों की लाशें, छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। अमेरिका में रहता था फिलिस्तीन का, एक माँ रहती थी अपने बच्चों के साथ, मतलब बच्चे जो है ना 3 साल का बच्चे था वहाँ, अमेरिका में उस बच्चों को 26 बार चाकू से वार किया, छोटे बच्चे क्या गलती कर, लेकिन ये नफरत है फैला रहे। तो गाइस मैं ये बताना चाह रहा था, असल में वीडियो मेरा बनाने की यही है कि मतलब खास जो वजह है वीडियो बनाने का, मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ, इतना अफसोस आ रहा है। ये है कि भाई देखो, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, हम जाके उनके लिए लड़ नहीं सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं अल्लाह के लिए दुआ कर, अल्लाह से हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों को हिफाजत फरमा, और छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, और या अल्लाह जो मर चुका है, इंतकाल कर चुका है, या अल्लाह उनकी सबकी मगफिरत फरमा, या अल्लाह वो शहीद जो शहीद हो चुके हैं, या अल्लाह उस दीन के काम पे अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। और ख़ास तौर तो इसराइल का जो है ना मकसद जो है लड़ाई करना और मारना, मुसलमानों को ख़त्म करना, सिर्फ एक चीज़ के लिए, वो है अक्सा मस्जिद के लिए, अल-अक्सा मस्जिद के लिए, जो हमारे मुसलमान का पहला किबला अक्सा मस्जिद है। और 15वें पारे में कुरान शरीफ में भी अक्सा के बारे में जिक्र किया गया, जिक्र है, अल्लाह ने जिक्र किया। तो उस मस्जिद के लिए लड़ाई हो रही है, और आप देख रहे हैं, हम तो नाम के मुसलमान हैं भाई, हम कोई काम के मुसलमान नहीं हैं, हम मुसलमान थोड़ी हैं, हम तो नाम के मुसलमान के हम मुसलमान हैं, हमारा कुछ काम नहीं है मुसलमानों का। अब भाई वहाँ तो देखो छोटे छोटे बच्चे, 3-3 साल के बच्चे भाई, जाके अपने किसके लिए, अपने देश के लिए, अपना अक्सा मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं भाई, और छोटे छोटे बच्चे मारे भी जा रहे हैं भाई। मैं देखा था कल वीडियो देखा था भाई, एक साथ कब्रिस्तान, मतलब गड्ढा खोदा उनकी कब्रिस्तानों में, देखा मैंने वीडियो, कब्रिस्तान के वीडियो वायरल हो रही थी, 5 दिन पहले वीडियो देखा था मैंने, जो लाशें दिख रही थी मुसलमानों की। तो यार आप लोग से दरख्वास्त है कि अल्लाह उनकी हिफाजत करे, और अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ऐसी जो लड़ाइयाँ हो रही है, अल्लाह उन्हें रोक दे जाए और उनकी हल हो जाए, और ये मुसलमानों को जो परेशान कर रहा है, यार मारा जा रहा है, यार उनकी हिफाजत करे। यार मैं देखो, मैं तो सोच रहा हूँ वीडियो ऐसा बनाऊँ कि यार एक साइड वीडियो दिखे और एक साइड में बताऊँ, लेकिन यार वैसा भी हो नहीं पा रहा मुझसे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ऐसा भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और दिखाऊँ आप लोग को, जैसे टाइम मिलता मैं वैसे बनाता हूँ। बस ये मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, और जो है ना भाई यही मकसद है कि भाई हम मदद उनकी नहीं कर सकते जाके, क्योंकि हम दूसरे देश के रहने वाले हैं, हम नहीं जा सकते उनकी मदद करने जब तक हमारे को परमिशन नहीं देगी हमारे देश की सरकार, समझ लो। तो इसीलिए मैं आप लोग से ये बात पहुँचाने आता है
कि यार देख के मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लग रहा है यार, मुसलमानों कैसे मारा जा रहा है, हज़ारों के लाखों की तादाद में मुसलमानों को मारा जा रहा है, सारे घरें तोड़े जा रहे हैं, खाने के लिए परेशान, पीने के लिए परेशान है यार, खाना नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में अटैक कर दिया इसराइल वालों ने, तो यार हर जगह से मुसलमान परेशान है। बस यही है दुआ है कि दरख्वास्त है कि यार उनके लिए दुआएं करें और अल्लाह ताला उनकी जो शहीद हो चुका उनकी मगफिरत फरमाए, और या अल्लाह जो अभी हैं या अल्लाह उनकी हिफाजत करे, ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत करे, यही दुआ करें। और नमाज़ पढ़े भाई, और इंशाल्लाह उनको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, और हम इंशाल्लाह नमाज़ भी पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह, उनके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह, और आप भी नमाज़ पढ़ते रहिए और दुआ करें उनके लिए, दुआ करें बस भाई, दुआ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, और उनके लिए दुआ कर सकते हैं ताकि अल्लाह उनकी हिफाजत करे और गए भी मदद हो उनके अंदर, कोई गए भी मदद दे अल्लाह कि उनकी हिफाजत करे कोई आके। तो यार मेरे चैनल में जो बंदे नए हैं वो यार प्लीज़ बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और यार मेरा हौसला अफजाई करें ताकि मैं अच्छा वीडियो बनाऊं। और जैसे मैंने आपको बताया, वीडियो बनाऊंगा ऐसा जैसे कि एक तरफ वीडियो दिखे आपको और एक तरफ मैं बताऊं कि देखो हकीकत ये है, आप अभी जो मैंने बोला सब हकीकत बोला, आप खुद देखे होंगे न्यूज़ में और भी चीज़ों में देखे होंगे जो ये मैं जो बोला हूँ ये सच है, और यही मैंने दिखा आपको बताया। बस मेरा वीडियो, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, बस वीडियो बनाने के मेरा एक ही मकसद है, बस एक मकसद है वो कि बस दुआएं करें उनके लिए, अल्लाह इनकी हिफाजत करे और यार जो परेशानियां हैं उनकी परेशानियों को दूर करे। यार तब तक के लिए जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।